हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल डू क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पार्ट 1। किरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी एक प्लेस को विजिट करने गई थी जो कि धनबाद के नियर था। किरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। किरी बहुत अमेज्ड थी कि बहुत बड़ा जो एरिया था वह पूरी तरह से ब्लैक था। सुकांत, Why is this place so black and dusty? सुकांत, ये place जो है ये पूरी तरह से black और dusty क्यों है? She asked, this is because of the coal mines nearby. क्योंकि इसके आसपास एक coal mines है, कोयले की खान है। Do you see the trucks? There are carrying the mineral coal, replied सुकांत। क्या तुम देख रही हो कि यहाँ पर जो ट्रक हैं, they are carrying the mineral coal, ये mineral coal को ले जा रहे हैं, सुकांत ने कहा। What are minerals? asked किरी। Minerals क्या होते हैं, किरी ने कहा। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने कहा, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट्स बनाते हुए बेक करते हुए देखा है? द फ्लोर मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। कई बार फ्लोर मिल्क और शुगर एक साथ मिक्स किए जाते हैं। वाइल ईटिंग द बेक बिस्किट कैन यू सी दिस इन्ग्रीडियंट सेपरेटली? क्या उसके बाद बिस्किट से इन सभी को सेपरेट कर सकते हैं? जस्ट एज इन द बिस्किट्स There are a number of things that you cannot see rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. Minerals में बहुत से, जिस तरह से बिस्किट से किसी भी उसके ingredients को separate नहीं किया जा सकता, इसी तरह से जो rocks हैं उनमें भी काफ़ी mineral, earth में जो rocks होती हैं उनमें भी काफ़ी material एक साथ होते हैं, जिन्हें कि जिनमें mineral mix होते हैं और इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, और ये लगातार अर्थ के रॉकी क्रस्ट से निकाले जाते हैं। अ नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। एक नेचुरल ऑक्योर होने वाला सब्सटेंस जो कि एक जिसकी एक केमिकल कंपोजिशन होती है वे मिनरल कहलाता है। मिनरल्स आर नॉट एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, सभी जगह स्पेस सभी स्पेस पर मिनरल्स अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। दे आर कॉन्सनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, वे किसी एक जगह पर रॉक फॉर्म में बनाते हैं। सम मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली, कुछ मिनरल्स किसी एक एरिया में मिलते हैं और ये इजी नहीं है एसेसिबल, सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका, जैसे कि आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका में इनको मिलना। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मिनरल्स डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मिलते हैं अंडर वेरिएंट कंडीशन, जिनकी कंडीशंस डिफरेंट होती है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और इनमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम उन्हें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी, कि वो कितने घुलनशील हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कितने हार्ड हैं, उनके क्या कलर हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आते हैं फेरस और नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ये रॉ फॉर्म में होता है ये मेटल। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, मेटल जो होता है वे एक हार्ड सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये लस्टर होता है और शाइनिंग होती है जो मेटल होता है उसमें। आयरन और बॉक्साइड, मैगनीज और आर सम एग्जाम्पल, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं उनमें आयरन और बॉक्साइड और मैगनीज आते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी होते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और फेरस जो मिनरल्स हैं उनमें आयरन और मैगजीन और क्रोमाइट्स आते हैं।
कंटेन आयरन, जिनमें कि आयरन होता है। अ नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन, और जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं इनमें आयरन नहीं होता। मे कंटेन सम अदर मेटल, उनमें कुछ और मेटल यूज होता है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और लेड। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, लाइम स्टोन, ऐसा मिनरल्स जिनमें कि मेटल्स नहीं होते हैं जैसे कि लाइम स्टोन, मीका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। इस तरह के मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और इस तरह के मिनरल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल नहीं होते। मिनरल्स आर कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय माइनिंग, मिनरल्स को हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्रिलिंग से और क्वेरिंग से हम मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स माइनिंग से, ओपन कास्ट माइनिंग करके और शेफ्ट माइनिंग के द्वारा, और सेकंड जो इसका है ड्रिलिंग और क्वेरिंग के द्वारा। द प्रोसेस टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, एक प्रोसेस जिसमें कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी मिनरल्स दबे हुए होते हैं, जो रॉक्स दबी हुई होती हैं उन्हें बाहर निकालना माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, और जो सरफेस पर ही ऊपर की लेयर पर होते हैं उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट, और इसी तरह के शेफ्ट भी होते हैं, हैव टू बी मेड टू रिच मिनरल डिपोजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग, इसे हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्योर फार बेलो द अर्थ सरफेस, पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस है ये अर्थ सरफेस में काफ़ी नीचे होती है। डीप वेल्स आर बोट टू टेक देम आउट, इन्हें निकालने के लिए बहुत गहरे कुएं खुदाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसे ड्रिलिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, ऐसे मिनरल्स जो कि सरफेस के पास ही होते हैं आर सिंपली डग आउट, जिन्हें कि ईजिली डग आउट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, जिसको क्वेरिंग प्रोसेस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऑक्योर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स में बहुत डिफरेंट टाइप के रॉक में होता है। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ इग्नियस रॉक्स में मिलता है। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वाइल अदर्स ऑक्योर इन सेडिमेंट्री रॉक, और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऑक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स के रॉक जो मिनरल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ मिनरल्स इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वाइल अदर्स ऑक्योर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और कुछ मिनरल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटोज, और इसके साथ ही मेटेलिक जो मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स में मिलते हैं ये मिलकर बहुत बड़े प्लेटोज बनाते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन और ऑन्टेरियो कैनेडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इज साउथ अफ्रीका, आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के जो कि इग्नियस रॉक में मिलते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो बनती हैं वे प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में हैं, जहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइम स्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकेसस, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, मिनरल्स फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलते हैं। एशिया, चाइना एंड एशिया हैव लार्ज आयरन आर ओर डिपॉजिट, चाइना और इंडिया जो हैं वे बहुत बड़े डिपॉजिट हैं आयरन के। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, इस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड के में जो भी टिन प्रोड्यूस होता है उससे हाफ से भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन,
चाइना में ही इसके साथ ही लीड एंटिमनी और टंगस्टन का भी प्रोडक्शन होता है। एशिया है ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज बॉक्साइड निकल जिंक एंड कॉपर। इसके साथ ही एशिया में मैग्नीज बॉक्साइड निकल और जिंक और कॉपर का भी डिपॉजिट होते हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के आयरन ओर का। द कंट्रीज विथ ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आज रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। और भी ऐसी लार्ज डिपॉजिट आयरन के हैं जो कि रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑन कॉपर, लीड, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन थ्री जोन। जो भी मिनरल डिपॉजिट होता है नॉर्थ अमेरिका में थ्री जोन्स में है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, कैनेडियन रीजन जो कि नॉर्थ साइड में है ग्रेट लेक्स। अप्लाचियन रीजन द माउंटेन रेंज, अप्लाचियन रीजन जो कि माउंटेन रेंज में आता है वेस्ट साइड में। आयरन और निकल गोल्ड यूरेनियम एंड कॉपर आर माइन इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। कोल इन द अप्लाचियंस रीजन वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के वेस्ट जो साइड हैं कॉरिडोर्स अप्लाचियन रीजन से हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होती हैं ये मिनरल्स। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।